Thank mm -hmm. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो यहाँ पर मम्मी चली गई है जी हाँ आ, मेरी सासू माँ जो थी वो चली गई हैं क्योंकि आ, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है बिल्कुल भी आ, तो पापा जी की तबीयत ठीक है देखो हम तो हैंडल कर सकते हैं किसी ने भी किसी तरीके से पर पापा जी को बहुत दिक्कत होती है मम्मी के बिना पापा जी वैसे भी नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनकी दवाई वाई का सब चीज़ों को मम्मी को ही देखना पड़ता है तो ज़्यादा दिन तक रुक भी नहीं पाती तो बस यहाँ पर मेरा सर धुला है बस यहाँ पर सर धुला था ये बोले थोड़ी देर ना धूप में को खड़ी हो जा आ, ताकि धूप लगेगी ना तो सर भी सूख जाएगा और बहुत अच्छा भी लग रहा था बाहर खड़ा होने के बाद में एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सी लग रही होंगी क्योंकि आज हम नहाए हैं और क्योंकि मेरे हाथ पे पट्टी होनी है आज तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज नहा भी लेती हूँ फिर पट्टी करा के आनी है तो फिर बंद सी जाते हैं फिर नहीं नहाया जाता तो मैं नहाई हूँ सर धुला है और जो घर तो का काम है और जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा इन्होंने वीडियो बनाया था मैंने कल कोई वीडियो बनाया नहीं क्योंकि कल कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं ये मम्मी को छोड़ने के लिए गए थे और मुझसे तो बनी नहीं थी मैंने कहा मैं बैठी बैठी ही क्या करूंगी तो जब हमारे पतिदेव आएंगे वो हमसे वीडियो बनवाएंगे हमारी तो हम तभी बनाएंगे मैं नहाई हूँ सर धुला है मैंने आज अपना और हमारे जो पतिदेव हैं वो लग रहे हैं घर की साफ सफाई में और जो बेटी है वो कर रही है हमारी नहाने की तैयारी मतलब हमने सब लोगों को इंडिपेंडेंट क्या बोल रहे हैं सर इंडिपेंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना दिया है अपना खुद का काम खुद से करे और मेहमान लोगों को हमने ये बोल दिया है भैया जो भी कोई हमें देखने के लिए आए खाना एक तो खा के आए और हमारा लेके आए क्योंकि अभी हमारे घर में कोई खाना पीना बनाने वाला है नहीं और अभी आज जो सुबह का खाना है मेरी बुआ जी की लड़की रहती है यहीं पे मेरठ और उसने भिजवा दिया मैंने कहा बहन शाम तक का भिजवा दियो <laughs> और कल बुआ जी आई थी मेरी मैंने बुआ जी को मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है बुआ जी आई उन्होंने खुद से चाय बनाई और खुद से ही मतलब फिर मुझे भी दी खुद भी पी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि ऐसा मैंने कभी किया नहीं है ना बुआ जी आई हैं उनसे चाय बनवाना तो पर क्या कर सकते हैं और अभी देखिए हमारे पति देव पोचा लगा रहे हैं <laughs> क्या कर सकते हैं थोड़ी सी मजबूरी है अच्छा तो नहीं लगता है ऐसे पर भी है। होना भी चाहिए ये यार दुख सुख में ये मेरे और मैं इनके नहीं काम आऊंगी तो फिर रिश्ता किस चीज का है तो वही वाली बात है चलिए फिर अभी हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे पहले ये काम खत्म कर लें और देखिए एक चीज और दिखाऊं अभी रुक जाओ मैं आ रही हूँ अभी रसोई में जितने भी बर्तन रखे हैं क्योंकि झाड़ू पोछे वाली ना कल आई और ना ही आज आई है तो खुद से ही सारे बर्तन हमारे हस्बैंड जी ने ही साफ किए हैं देख रहे हो और रसोई भी मतलब बहुत बेहतर तरीके से साफ की है हाँ जी बी भी झाड़ू बेस्ट मोमेंट मेरे व्लॉग का मरा तो है नही सिदम ने तो पानी घेर दिया थोड़ा था, बहुत थोड़ा सा। अरे ये थोड़ा सा ही लगे थोड़ा सा लगा बस बस, मुझे हटानी पड़ेगी भाई मैं बुद्धि मड़ो इसके गुद्धी और सिर पे टाइट सा हाथ लगाओ इसके साथ निकलता कान के पीछे से देखो साफ नहीं हो रहे अभी तो जहागनी उठ रहे ना सिर में इससे कहां धुला है सिर अपने आप से अंदर को भी उठ रही है सिर जहागनी उठ रहे बढ़िया तरह धो दो, दो। आगे से मलो माथा भी पहली बार है ना हां नहीं चारे। नहीं चारे। नहीं चारे। मैं कोई और ना किस किसरो पड़ी के दी में दी? <laughs> कुछ पता सता नहीं

जो थोड़ा बहुत जो भी काम था वो ख़त्म हो गया है इन्होंने कर लिया है मैं अभी मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ और अभी मैं ना थोड़ी सी कुछ वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर तो सब लोगों ने आज डाला है फ्लॉग मतलब सकट का पर मेरा नहीं हो पाया मैं कोई पूजा कर ही नहीं पाई ना ही कर पाई मुझे त्यौहार मनाने का बहुत शौक़ है घर में मतलब छोटे से छोटे त्योहार को भी ना मैं बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश करती हूँ तो इस बार तो कुछ भी नहीं हो पाया कोई भी मम्मी ने वैसे जब मम्मी कल गई ना तो मम्मी ने सुबह के टाइम में आलू गोभी की सब्जी पूरी आ, बना दिए थे तो बस आज मैं देख करके क्योंकि कुछ लोगों ने तिल के लड्डू भी बनाए हैं सभी लोगों ने क्योंकि सकट पर तिल के लड्डू बनाना बहुत शुभ माना जाता है मैंने कोई वर्त भी नहीं किया तो बहुत अजीब सा फील होता है इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी खुशी हो चाहे कुछ भी हो उसको अच्छे से मनाना चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ ही नहीं पता टाइम का कुछ ही नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए और क्या नहीं जैसे नहाई हो ना तो थोड़ा सा फ्रेस फ्रेश फील कर रही हूं और हाथ में भी अभी मेरे दर्द जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया जैसे सारा दिन दर्द रहता था ना तो वो तो कम हो गया कम से कम क्योंकि दस दिन तो उन्होंने ही बोला है कि दस दिन तक तो कुछ भी वो नहीं हो सकता दस दिन बाद फिर से जो है वो एक्सरा होगा और एक्सरा होने के बाद में आ, क्या कंडीशन है आ, हाथ की उसके बाद में फिर आगे का वो होगा तो दस दिन तक तो है ही पाँच दिन मुझे हो चुके हैं तो पाँच दिन अभी आगे के और भी अभी आ, बाकी हैं तो देखते हैं भाई चोट लगे हो गए मुझे दस दिन दस दिन नहीं नौ दिन नौ दिन हो गए चोट लगे हुए इस तरीके से मैं बंद गई हूँ ना इस तरीके से मैं बंद गई हूँ मतलब ऐसा लगता है एकदम से मन में, में मेरे आता है कि बस खड़ी हो जाऊँ और सारा घर का काम निपटा लूँ क्योंकि वही है ना कोशिश बहुत कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से आज तो फिर भी घर बहुत अच्छे तरीके से साफ है आ, पर वही है ना जैसा हम करते हैं वैसा तो नहीं हो पाता तो अभी मुझे ये समझ में आया मैं बहुत टाइम अपना घर के काम में देती हूँ तो सारी चीजें अभी जैसे बैठी रहती हूँ तो दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चल रहा है टाइम पर मेरा मैं ये सोची थी मैं कितना टाइम अपना जो है बस सिर्फ घर के काम साफ सफाई को देती हूँ जिसमें से मैं ना मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ बहुत सारी चीजें हैं ऐसी अ मतलब कभी मन करता है अच्छे से तैयार होने का मैं अपने बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती अपनी स्किन का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती अपने शरीर का, का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ कि जब मन में आया रात को बारह बजे सो गए एक बजे सो गए सुबह में फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है जब रात में नींद पूरी नहीं होती सुबह में लेट उठते तो अब ये मन में आ रहा है कि बस एक अच्छा सा रूटीन अपना बनाना है जिसमें से मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है घर का काम भी सही तरीके से हो जाए आगे आगे मांटू के स्कूल खुल जाए तो इनका भी मतलब वो है कि अपना उसमें चलता रहेगा ये अभी बैठे बैठे के मन में आ रही है मेरे जब काम में लगती हूँ ना फिर तो मुझे ये रहता बस घर साफ सुथरा हो जाए खुद की हालत चाहे ख़राब रहे पर यह बहुत गलत बात है आ, घर भी साफ़ होना चाहिए पर अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए अब जैसे मुझे थ्रेडिंग कराए कराए कितने दिन हो जाते हैं है ना हेयर वॉश तो देखिए मैं अपने टाइम से करती हूँ क्योंकि बालों की मुझे मतलब ये होता है कि अगर मैं तीसरे चौथे दिन अपने बाल ना धुलूँ तो मेरे सर में खुजली होने लगती है वैसे नहाना वाना वो मतलब वैसे तो ध्यान रखती हूँ अपना वो तो देखिए नहाए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता पर होता है ना एक एक्स्ट्रा केयर जो होती है वो नहीं कर पाती हूँ मैं अपनी जब मेरा जैसे वेट बढ़ जाता है है ना तो अगर मुझे वेट कम करना होता है तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब डाइट फॉलो करती हूँ फिर मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ जो कि बहुत गलत है वेट कम अगर हो तो हम हेल्दी भी होने चाहिए जिसके लिए मैं हाथ ठीक होते ही बहुत सारी चीजें अब ट्राई करने वाली हूँ बहुत सारा जो है मुझे वो करना है आ, तो वो तो मैं आगे आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वैसे अभी मैं मोटी नहीं हूँ इतनी भी नहीं हूँ इतना भी वेट नहीं बढ़ा है आ, पर वो है ना कि जैसे मैं सारा दिन लेट ही रहती हूँ कोई काम नहीं करती हूँ तो ऑफिसली बढ़ेगा तो है ही खाना पीना तो मैं बराबर ही खाती हूँ ना तो अभी बहुत सारे वो चल रहे हैं मेरे मन में अब तो ये है बस जल्दी से हाथ मेरा ठीक हो जाए और फिर मैं लगूँ अपने काम पर जो जो सोच रही हूँ अभी <laughs> आप, आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ी पढ़ी खुद तो पढ़ी है खुद को तो कुछ काम धंधा है नहीं और हमें पका रही है तो पका नहीं रही हूँ बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में आगे कि मैं शेयर करूँगी क्योंकि मुझे एक हेल्दी रूटीन नहीं होता है जिसको हेल्दी रूटीन बोलते हैं हेल्दी रूटीन होता है जिसमें हम अपने आप पर भी ध्यान दें और अपना घर का काम भी सही तरीके से हो ये नहीं कि घर के काम के पीछे पागल हो रखे हैं और अपनी सकल भूतड़ो जैसी बना रखी है तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है सारी चीज़ें और बहुत सारे काम घर में भी करना है क्योंकि घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है मैं अपनी पहले वाली वीडियो देख रही थी मैंने कहा देखो ना मेरा घर कितना सुंदर लगता था और अब देखो पर क्या है यार सब चीज़ें होती हैं तो चलिए अभी मांडू भी यहीं पर बैठी हुई है चलिए फिर अभी इतनी सारी बातें आप लोगों से कर ली और अभी जो है आज इन्होंने छुट्टी ली हुई है तो घर का राशन भी लेने जाएंगे ये आ, क्योंकि आ, अगला महीना स्टार्ट हो गया है तो मंथ के स्टार्टिंग में सारा राशन आ जाएगा तो ठीक रहेगा तो चलो फिर बाय बाय टेक केयर ख्याल रखिए अपना और आज मैंने नई कुर्ती पहनी है कौन सी है वो बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को